नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्षदीप सोडी और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक नॉलेज में, जिसमें हम आयुर्वेद के प्रति आपकी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं और आयुर्वेद को भी बढ़ावा दे रहे हैं आपके जीवन में। तो वैसे ही जैसे मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था कि हमारा मेन मकसद है आयुर्वेद को बढ़ावा देना और आयुर्वेद की मेडिसिन को बढ़ावा देना और मेडिसिन का असर कैसे होगा, परहेज के कारण होगा। तो आज का फिर से हमारा वही टॉपिक होगा कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो आपकी डाइट एक वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। वेल मेंटेन्ड का मतलब ये नहीं कि आप कम खाएंगे, आप खाइए, लेकिन एक पौष्टिक आहार को लीजिए अपने अंदर, एक पौष्टिक आहार को लीजिए। जैसे कि आजकल का जो डाइट प्लान चल रहा है हमारा मोस्टली, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर मतलब कि चल रहा है हर समय, एक दिनचर्या होती है। सुबह इंसान उठता है, 2 गिलास पानी लेता है और थोड़ी देर में चाय पी लेता है और नाश्ते में फिर से वो क्या करता है, नाश्ते में परौंठे खा लेता है या फिर चपाती खा लेता है और फिर डिनर आते आते दोपहर के 2 बजे तक वो फिर से एक कप चाय पी लेता है और स्नैक्स खा लेता है या फिर कुछ और भी खा लेता है। फ्रूट्स को वो हाथ भी नहीं लगाते, मोस्टली मैंने देखा है वो फ्रूट्स को हाथ भी नहीं लगाते, जो स्नैक्स हैं उनको ही हाथ डाल रहे हैं वो। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, दोपहर को वो खाना खाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हम क्या खाते हैं, दाल सब्जी रोटी यही खाते हैं। तो उसके बाद फिर से वो क्या करते हैं कि दोपहर का उन्होंने खाना खा लिया है, लंच कर लिया उन्होंने, उसके बाद फिर से शाम को वो एक तो डिनर वो करते हैं 10 बजे तक, 9 से 10 बज जाते हैं उनके डिनर होने तक। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि 7 बजे तक हमें डिनर कर लेना चाहिए और रात को हमें राइस नहीं खाने चाहिए मोस्टली। तो राइस को तो आप बंद कर दीजिए शाम को, एक तरह से अपने जीवन में ही राइस को अभी लाइए मत। जो एक पेशेंट है उसको राइस नहीं खानी चाहिए, मैं यही प्रेफर करता हूँ हर किसी को। तो जब हमारे जीवन दिनचर्या की बात चल ही रही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे राइस को जैसे आप बंद कर दिए अगर दीजिए और साथ में ही इस डाइट को जो जंक फूड है उसको आप बिल्कुल ही आप अपने जीवन से रिमूव कर दीजिए। और एक जो वेज सूप की मैंने भी बात करी थी फर्स्ट वीडियो में, तो वेज सूप को आप लीजिए अपने जीवन में। तो एक तो आप 2 टाइम का अपना जो है खाना है उसको मेंटेन करिए, वो भी पौष्टिक होना चाहिए। दाल रोटी सब्जी जैसे अपने सादा खाना खाते हैं वही रखिए, लेकिन एक जो बीच में अड़चन बन रही है आपकी, जो जिसके कारण हमारी जो दवा है वो सही एंड पे नहीं पहुंच रही है, आपकी बीमारी का एंड नहीं कर रही है, तो वो क्या कारण है, आपका टी पीना, चाय पीना हर समय। एवरी पर्सन देखता हूँ तो वो क्या कर रहे हैं, दिन के एक ऑफिस जा रहा है अगर एक पर्सन, वो दिन के 6-7 कप तो चाय पी लेता है, इतनी मात्रा में वो शुगर ले रहा है, कैफीन ले रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो उसकी तो बॉडी ऑब्वियसली मतलब कि हाँ उसमें प्रॉब्लम आनी ही है। 40 होने तक तो वो उसके बॉडी के आप देखिएगा, उसके स्टमक के तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। 40 तो क्या 35 की उम्र में ही उसका बुरा हाल हो चुका है। तो मैं यही कहता हूँ सभी को कि एक पौष्टिक आहार लीजिए अपने जीवन में। जैसे मैं वही कहता हूँ हर किसी को, एक ये जो हरी सब्जियों का मतलब कि कहता हूँ कि सीजनल जो भी हरी सब्जियाँ आ रही हैं हमारे जीवन में, तो उनके छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको बॉयल करके उसका जो सूप बनता है उस सूप को आप लीजिए। किस समय, शाम को लीजिए। और शाम को आप रोटी मतलब कि अन्न को तो आप उस समय त्याग दीजिए, और अगर कोई अन्न लेता भी है उस समय तो उसे आप कम क्वांटिटी में मतलब कि कम मात्रा में लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पेट भर के ही जैसे 4-5 रोटियां आप खा के फिर से थोड़ी देर में ही सो जाते हैं। और क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अन्न क्यों वहाँ पे कम करिए, कि रात को हमें कोई काम नहीं होता है, हमारे शरीर को कोई वर्क नहीं करना होता है उस समय, हमारे ब्रेन को कोई वर्क नहीं करना होता है, ना सोचने का ना कुछ करने का।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस समय हमें एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहता हूँ कि आप उस समय अन्न को त्यागिए या फिर अन्न को कम कर दीजिए, जो बहुत ही लाभदायक होगा आपके आने वाले जीवन में, आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन को वो सुधारेगा, एक नई दिशा दे रहा है, और वो देगा आपके जीवन सारे डिसीज़ को जड़ से ही ख़त्म कर देगा। जो आयुर्वेदिक आप मेडिसिन ले रहे हैं उनके असर आने देगा आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी एक स्वस्थ बॉडी फिर से एक स्वस्थ बॉडी बन जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप चाय को त्यागिए और अपना एक समय का जो खाना है उसको भी आप त्याग दीजिए, अन्न को त्याग दीजिए या फिर कम क्वांटिटी कर दीजिए। सुबह आप, मैं कहता हूँ सुबह आप खाइए जितना भी खा, मतलब कि जो आपकी डाइट है उसके अकॉर्डिंग आप खाइए, और दोपहर को भी जितनी आपकी डाइट है खाइए। लेकिन जो शाम की है, जो मतलब कि डिनर है आपका, उससे आप उसमें अन्न को टोटली त्याग दीजिए। उस समय आप सिर्फ सूप को पीजिए, और सूप आप अपने हाथों से बनाइए, सीजनल जो भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं उनका बनाइए, जो भी सब्जियां आ रही हैं उनका बनाइए। अभी जैसे सब्जियां कौन सी आ रही हैं, हमारी लौकी आ रही है, तोरी आ रही है, शिमला मिर्च आ रही है, तो इनके छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको आपने क्या करना है, बॉईल ही तो करना है आपने, तो मतलब घी बॉईल करा, उसका सूप पिया, तो उससे बहुत आपको आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा असर होगा, हर बीमारी का वो रोग का इलाज होगा। और साथ में ही आप अगर जो हमें जैसे आमतौर पे डॉक्टर्स कहते हैं कि नीम का एक आप बीच में सूप पी लीजिए करिए, और जैसे अगर मोटे पर्सन जो जिनका वेट बढ़ा हुआ है तो उनकी मैं बात करूँ तो उनकी उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि वो टी को छोड़ दें, उसकी जगह पे वो एक तो वो खट्टे को भी छोड़ें और साथ में ही टी को भी छोड़ दें, और जो उसकी जगह पे वो ग्रीन टी को पीजिए। और ग्रीन टी को कैसे बनाना है आपने, सिंपल एक क्या करना है, पानी को गर्म किया उसके अंदर एक चुटकी या दो चुटकी ग्रीन टी पा लीजिए। उससे क्या होगा आपका एक मेटाबॉलिज्म जो है उसका वर्क करना, मतलब कि जो है मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है जिससे आपका खाना पचना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मोस्टली कुछ मैं केसेस ऐसे भी देखे हैं उसमें क्या करते हैं पेशेंट कि ग्रीन टी लेते हैं, वो कहते हैं हमें स्वाद नहीं आया तो मैंने उसमें शुगर डाल दी थोड़ी सी, थोड़ा सा दूध भी डाल दिया, आप फिर तो वो ग्रीन टी कुछ फ़ायदा ही नहीं रहा ना, वो तो वही टी बन गई जैसी मैंने जिससे मैंने मना करा था उसी को आपने फिर से पी लिया, तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो मैं फ्रेंड्स मैं फिर से आपको फिर से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि सिंपल आप पानी को बॉईल करिए और एक चुटकी भर उसमें क्या डालना है, आपने ग्रीन टी को डाल देना है, और वो आपने सिप सिप करके पीनी है, आहिस्ता आहिस्ता वो पीनी है, एक टाइम पीजिए, दो टाइम पीजिए, तीन टाइम पीजिए, आप पी सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी आप पी सकते हैं, अगर ऑफिस में नहीं मिल रहा आपको टाइम पीने का तो आप घर पे आके शाम को आप उस समय पी लीजिए, आपके जीवन में बहुत ही अच्छा वो, एक तो उससे टेंशन का भी मतलब कि टेंशन रिमूव होगी आपके सर से, तो उस टेंशन को भी किसी भी बचने का वो इलाज है बहुत ही अच्छा। तो मैं फ्रेंड्स मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि आप इस अपने दिनचर्या को बहुत ही सही तरीके से चलाना आपका मकसद है, ताकि आयुर्वेद की जो आप मेडिसिन ले भी रहे हैं जिनका असर नहीं होता है उनका असर होना शुरू होगा। क्योंकि मैं फिर से मैं आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को जीने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, तो उस एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्या है, आप यहाँ पे हमें एक जैसे एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है इस मेडिसिन को काम करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप उस एनवायरनमेंट को बनाइए, उस जगह को बनाइए और वहाँ पे उस मेडिसिन को काम करने दीजिए, और ताकि वो उस आपके डिसीज़ को अच्छी तरह जड़ से ख़त्म कर दे। तो ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, मैं वीडियो पर लंबा ना ले जाते हुए मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने सिर्फ एक वेल मेंटेन्ड डाइट खानी है, डाइट प्लान यही है सिंपल सभी का, जो
स्वास्थ्य हैं उनके लिए भी, जो डिसीज से घिरे हुए हैं, जो उनको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर डॉक्टर जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उनके जो वो रिकमेंड करते हैं उनके अकॉर्डिंग चलिए। तो मैं फिर से वही कह देना चाहता हूँ कि अपने जीवन को एक सही राह की तरफ ले जाइए, एक स्लो पॉइजन की तरफ मत ले जाइए। आपको क्योंकि हर दूर से देखती हुई चीज़ की चमकती हुई चीज़ सोना तो नहीं होती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, चाहे वो सस्ती है मेडिसिन, लेकिन उसका फ़ायदा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, वो एक स्लो पॉइजन का काम कर रही है। डॉक्टर को भी पता होता है, एक MD डॉक्टर को पता होता है, MS है, MD है, जो भी है, तो उनको पता होता है कि उसका कुछ भी असर नहीं होगा हमारे जीवन पे, फिर भी वो हमें रिकमेंड करता है। एक एक पर्सन को जॉइंट पेन होता है तो वो जॉइंट पेन में भी वो मेडिसिन को दे देता है, और वो परहेज करने को वहाँ पे उसे कुछ कहते नहीं है, अगर वो कहते भी हैं तो साथ में वो मेडिसिन भी दे देता है। तो इसलिए एलोपैथिक के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा ध्यान वो मेडिसिन पे ही दे रहे होते हैं उस समय। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप उस मेडिसिन को छोड़ के अपने जीवन में आप सिर्फ ध्यान दीजिए अपने उस बॉडी पे, उस अपने खाने पे जो आपकी बॉडी को चाहिए, ताकि वो इन्वायरमेंट बने, उस इन्वायरमेंट में उस वो आपकी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो काम कर सके, और आपके जीवन में भी एक आपके जीवन को एक स्मूथली आगे चलने दे। क्योंकि आज छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों को भी डिसीज़ हो रहे हैं, हार्ट की डिसीज़ हो रहे हैं, किडनियाँ जैसे भी बदली जा रही हैं, या किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मेरे फ्रेंड के डैड को ही प्रॉब्लम हुई थी 2 साल पहले, तो मुझे बताया कि उनको कितनी प्रॉब्लम थी, उन्हें कि फाइनेंशियली उनका क्या स्टेटस था और कहाँ पे पहुँचा दिया था उस एक बीमारी ने, और फिर इन द एंड गवर्नमेंट जॉब भी थे, फिर भी इन द एंड उन्हें फिर कि उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप कि ऐसे फूड को, जंक फूड को, या किसी और भी फूड्स को जो आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, तो उनको छोड़ के आप इस जो भी कि सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फूड हैं, जूसेस हैं, जो भी है वो आप अपने घर पे बनाइए, कोई भी मिलावट नहीं होगी उसमें, कोई भी शुद्ध में शुद्ध होंगे, टोटली प्योर शुद्ध वो होंगे, तो उन्हें आप अपने पीजिए, वो अपने जीवन में एक आपके जो भी है एक स्वस्थ जीवन बनेगा, मजबूत शरीर बनेगा आपका, आपको कोई भी थकावट महसूस नहीं होगी। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स कहता हूँ हमेशा आपको कि इस फूड को अपने जीवन में अपनाइए, ताकि अपने आपका जो शरीर है एक मजबूत बने, एक बेस बने आपके शरीर का, इसके लिए उस मेडिसिन को काम करने के लिए, और उस बीमारी जिस बीमारी की वो मेडिसिन है वो जड़ से वहाँ से ख़त्म हो जाए वो बीमारी, और आप एक स्वस्थ पर्सन बन जाएं पहले की तरह, एक स्वस्थ इंसान बन जाएं पहले की तरह। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको कोई कोई भी क्वेश्चन की या क्वेरी करनी हो तो आप हमारे हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, और हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड साइड में दिए बेल आइकॉन है तो उसको दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फिर से मैं कहता हूँ कि हमारा मेन मकसद आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, और हाँ दोस्तों एक मैं आपको और देना चाहता हूँ कि हमने एक फर्म खोली है जिसका नाम है पंचवेद्यम LLP, और उसका मकसद है आयुर्वेद को बढ़ावा देना। उसमें हम जो है मेडिसिन देते हैं तो जो कि सस्ती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो सस्ती हैं, इफ़ेक्टिव हैं, हम मेन जो है हमारा मकसद क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे,
हमारे प्राइस पे कोई ध्यान नहीं है, हमारा सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान है। अगर आपको लेंगे क्वालिटी में आप जैसे आपको असर हो रहा है तो आप कंटिन्यू करिए, अगर आपको नहीं हो रहा है तो ना करिए। ठीक है सर, तो मैं सिंपली मैं आपको भाई बहनों आपको मैं फ्रेंड्स मेरे आपको मैं यही कह देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साइड में दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।